नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बैड न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिवपुरी में एक दिवसीय दौरे पर आए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से वार्तालाप में बताया कि जो भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं वो अपने निजी कारणों या टिकट की चाह में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने पर उमा भारती ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए ही बने थे क्योंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने ही भाजपा को खड़ा किया है। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर उमा भारती ने बोला कि हमको उपचुनाव में तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्या तैयारी है और सुप्रीम में भी दो सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव हमको इन सीटों में कुछ तैयारी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस ने ही वो तैयारी कर रखी है पहले से कि वो खुद ही खत्म हो गए, कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इसलिए यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सिर्फ चुनाव का जब समय आएगा तो पोलिंग एजेंट बनाने हैं और लोगों को तारीख का पता लगना है, वो भारतीय जनता पार्टी को जीतना है सब जगह। सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं तो अब क्या स्थिति रहेगी? देखो मैं कल भी कहती गई हूँ परसों ग्वालियर में कि उनको बीजेपी में ही होना चाहिए था, उनका कांग्रेस में होना अस्वाभाविक था क्योंकि राजमाता जी एक प्रकार से मध्य प्रदेश की बीजेपी की फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, क्योंकि जनसंघ का जब निर्माण हुआ उसके तुरंत बाद राजमाता जी आ गई थी और राजमाता जी के आने से ही यहाँ जनसंघ को बल मिला था और एक तो देशव्यापी बल मिला था लेकिन मध्य प्रदेश में तो जनसंघ ही एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी कांग्रेस के बाद। नहीं तो आपको, आप लोग छोटे हो लेकिन पता होगा, विंध्य की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ समाजवादी विचारधारा के घटक और कम्युनिस्टों के घटक भी बहुत पावरफुल थे लेकिन राजमाता जी के आने के बाद में पूरा अपोजिशन जनसंघ की तरफ झुकने लगा और एक प्रकार से मेन अपोजिशन में फिर अंत में हम तो पहले थे लेकिन ताकतवर अपोजिशन बन गया और अंत में हमने सरकार बना ली, यहाँ पे 77 में भी बना ली जो प्रमुख रूप से उसमें हम थे लेकिन उसके बाद की जो सरकार बनी, जो मैंने बनाई वो तो पूर्णतया पूर्ण बहुमत से बन गई लेकिन उसका जो मूल संस्थापक शक्तिशाली दो व्यक्तित्व थे, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो इसलिए उस समय पर ही अम्मा की इच्छा रहती थी कि माधव राव जी भी कांग्रेस में ना होते, इसका उनको बहुत दुख भी रहता था। अब वो किस वजह से कांग्रेस में थे इतने लंबे चौड़े किस्से में मैं नहीं जाऊँगी। तो एक प्रकार से राजमाता जी की ही इच्छा पूरी हो गई है कि ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सिंधिया जी एक मिनट, जाएगा इसका पूरा श्रेय इस बात को जाएगा कि हाँ कांग्रेस खत्म हो गई है, मध्य प्रदेश से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है और कांग्रेस अपनी ही गलतियों से समाप्त हुई है और जिस प्रकार की स्थितियाँ कांग्रेस ने बनाई हैं उसी का ये परिणाम है। तो ये जो 2400 सीटें हैं इसमें अगर किसी को विजय का श्रेय जाएगा तो इस बात को जाएगा कि हमने इतने अच्छे काम किए कि लोग इस बात से खुश हुए कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं है, इसकी खुशी जो लोगों ने जताई है। और मोदी जी एक ऐसे, अब देखो कल का देखो, मैं तो आज मैं क्या बरसों से अखबार देखूँ, टीवी नहीं देख पा रही थी, मैंने तो आज सवेरे पढ़ा कि कल जब व्हाइट हाउस को घेर लिया वहाँ पर आंदोलनकारियों ने जी, तो ट्रंप तो बंकर में चले गए अपने, लेकिन हमारे यहाँ तो हमने दो बार देखा, एक बार जब जनता का मुकाबला हुआ तो मोदी जी स्वयं सामने आए और इसके पहले जब कारगिल की लड़ाई हुई तो अटल जी कारगिल चले गए संबोधन करने के लिए। ये भारत का आत्मबल है, भारत की आत्मशक्ति है हम सब की। ठीक है हम धन में उनसे कमज़ोर हैं, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट कंट्री मानते हैं और बड़ा धनी कंट्री मानते हैं, हम लोगों से हिसाब से बहुत पीछे छूट जाते हैं, लेकिन अब आप देख लो हम लोग का आत्मबल और उनका आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति और उनकी आत्मशक्ति और हमारे नेताओं की ताकत और हमारी ताकत, यही देश की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मोदी जी का नाम ही अब इतना बड़ा है कि जैसे सारी नदियाँ तालाब में इकट्ठी हो जाती हैं समुद्र में, इसी प्रकार से अब सब नदियाँ समुद्र में इकट्ठी होती जा रही हैं, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। सिंधिया जी उसके बाद में उन्होंने बीजेपी में आए हैं तो क्या उनकी विचारधारा बीजेपी के साथ में मिल गई है? बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, राकेश चौधरी है उदाहरण, तो इसको क्या लेते हैं आप? कुछ नहीं, पार्टी का एक व्यापक निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया और जब ज्योतिरादित्य गए भोपाल में तो जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर के उनका स्वागत किया, उसके बाद में मुझे नहीं पता है कि उन्हें क्यों छोड़ दिया, हो सकता है उनके निजी कारण रहे हों, टिकट के कारण रहे हों। सारे प्रदेश की जनता खुश है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और इस निर्णय में सभी नेताओं की सहमति है, प्रदेश की भी और केंद्र की भी। इसके साथ बात खत्म कर दें क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत